हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस सेशन में। आज अपनी 25 क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन आप सब पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या है? एक ट्रेन है तो ट्रेन ट्रेवल कर रही है, बट स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि सपोज एक ट्रेन जा रही है, अगर मैंने ट्रेन बना दिया, जस्ट इमेजिन है ना कि ट्रेन का बोगी है, तो ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है, ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है तो किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, मतलब इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। अब ये स्पीड आपको नहीं पता है तो आप इसे एक्स मानो, वाई मानो, एस ही मान लो, है ना। तो मैंने माना कि इसका स्पीड हमें नहीं पता, तो यूनिफॉर्म मतलब एक ही कांस्टेंट स्पीड। और 100 किलोमीटर स्पीड है तो 100 किलोमीटर स्पीड पर ट्रेन चल रही है, या 80 है तो 80 पर ही ट्रेन चल रही है, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो स्पीड को, इस यूनिफॉर्म स्पीड को हमने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में देखेंगे हमसे मांगा क्या है, बट यूनिफॉर्म हमने इसको मान लिया। और आपको डिस्टेंस दे रखा है, और जो ट्रेन इस स्पीड पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कह रहे कि अगर स्पीड ऐसा होता कि 5 किलोमीटर ज़्यादा होता पर आवर, तो भाई पहले स्पीड कितना था? एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलूँ कि अगर स्पीड को हम 5 ज़्यादा बना देते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ये तो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या लिखा है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फॉर द सेम जर्नी का मतलब क्या है? कि जब ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर पे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है ना, और बाद में ऐसा हो कि ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, तो ट्रेन को टाइम 1 आवर लेस लगता है, 1 घंटा कम लगता है फॉर द सेम जर्नी, मतलब इसी डिस्टेंस को कवर करने में। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, जब ट्रेन का स्पीड ये है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करना है? इतना कवर करना है, 360 कवर करना है। और जब ट्रेन का स्पीड एक्स प्लस 5 है तो भी डिस्टेंस जो कवर करना है, जो डी है, वो कितना है? 360 ही है। और यहाँ पर यह दिया है कि स्पीड आपने बढ़ा दिया है, तो अगर स्पीड बढ़ जाता है तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा, बट डिस्टेंस ये कवर करना है 360 किलोमीटर। तो ये है पहले क्वेश्चंस का बेसिक फंडामेंटल्स कि आपको गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब एक्स, अगर स्पीड को माना है तो आपको कहीं ना कहीं एक्स फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ देखो एक चीज़, आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम नहीं पता। टाइम को आप टी, मतलब टाइम को आप या तो वाई मान लो या टी माना है तो टी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखें तो एक इक्वेशन हम डेवलप कर सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 360। स्पीड कितना माना था? एक्स। और हमने टाइम को यहाँ पे मान लिया वाई, यानी कि एक इक्वेशन आ गया जो कि हम बोल सकते हैं 360 इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक। इसे इक्वेशन एक मान के हम छोड़ सकते हैं कि मेरा इक्वेशन 1 है। दूसरा क्या है? जब स्पीड बढ़ जाए तो ये तो नया स्पीड हो गया, और टाइम क्या बोल रहा है? 1 घंटा कम लगे, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कराना है? इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा इस सिचुएशन में भी। तो यहाँ भी इक्वेशन चेक करो तो कुछ आता है या नहीं आता? क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना? 360। स्पीड एक्स प्लस 5। पहले कितना समय लग रहा था? वाई आर। अब बोल रहा है 1 घंटा कम लगेगा, तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो नया टाइम है, इसको इसी चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो बोल सकते हैं पहले वाई लग रहा था आर, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो वाई माइनस 1 आर लिख सकते हैं। यानी कि टाइम के जगह हम क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस 1 लग सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो 360 यहाँ भी 360 यहाँ भी है, डैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन इंटू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, जस्ट बिकॉज कि ये और ये इक्वल है तो इतना पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव इंटू वाई माइनस वन। एक्स वाई को रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वन माइनस का एक्स, फाइव इंटू वाई फाइव वाई, और ये हो जाएगा माइनस पाँच। ठीक, यहाँ देखेंगे अगर मैं एक्स वाई को उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस में चले जाएगा, डेट मीन्स ये कट जाएगा अल्टीमेटली। तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स बच रहा है वाई बच रहा है, तो क्या किया जा सकता है। देखो ये जो वाई है इसको ख़त्म करने का एक तरीका है, अगर यहाँ से कुछ ऐसा हम बोलें कि हम लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स अगर नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा 360 upon x, और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर तो जीरो लिख दो या सबको इधर लेके आ जाओ, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इधर आ गया ये तो क्या हो गया x, ये हो गया माइनस का फाइव है, और ये भी इधर आ गया तो क्या बच गया प्लस का फाइव, और इधर क्या लग गया अपने ज़ीरो। हाँ तो मैं बोल रहा था इस y को अगर ख़त्म करना है तो y को मैं एज इट इज छोड़ दिया और मैंने बोला कि x को नीचे ले जाओ तो क्या हो गया 360 upon x। तो y की जगह पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, चलो आगे बना लेते हैं, स्पेस अच्छा खासा है यहाँ पे। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं x माइनस फाइव वाई प्लस फाइव कुछ जीरो फाइव इंटू वाई, वाई की जगह क्या पुट करना 360 upon x प्लस फाइव। ठीक है भाई, तो x अपनी जगह पर है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 300 × 5 करेंगे तो 1500 ये हो गया, और 60 × 5 करेंगे तो 6 × 5 = 30, 300 ये हो गया, यानी कि 1800 आ रहा है, यानी कि पड़ जाए कितना 1800 नीचे x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ प्लस का 5, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो x एलसीएम आ जाएगा 1 × x, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया यानी कि 1800, और यहाँ हो जाएगा 5x = 0। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, तो आपके बचेगा क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस पहले लिख लो 5x और माइनस 1800, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन करना होगा, इसलिए मैंने इसको पहले यहाँ लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब इस नंबर को स्प्लिट करो और देखो किस तरह से स्प्लिट करो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, 2 से गया 900, 2 से गया 450, 2 से गया 225, 3 से गया 321, 3×5=15, 3 से गया 3×9=6, 3×5=15, 5 से गया 5×5=25। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि लास्ट में 5 बचे और मल्टीप्लाई करके हमें जो चाहिए ये माइनस का 1800 x² मिल जाए। तो देखिए कैसे होगा, 2×2=4, 4×2=8, 2×2=4, 4×2=8, 8×3=24, 24×3=24×5, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है अभी, ये 3 है आपका, ठीक है, 2×2=4, 4×2=8, 2×2=4, 4×2=8, और 8×5 जाए अगर बोलें 8×5=40, एक तो ये हो सकता, और बचा क्या 3 और 5 है ना, तो 5×15=45, तो एक तो 45 मिल रहा है। इस दोनों को तो पहले मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा आपको, 4×45 तो 90 का डबल 180 और 0 1800। हाँ देखो ये मिल रहा है, हमें क्या बोला मैंने 2×4 4×8 और 8×5=40 और एक चीज 3×9 9×5=45, एक 40 मिला एक 45, इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया तो कितना आ रहा 1800, यानी कि हमारा काम यहाँ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 45x - 40x - 1800=0, और यह x² तुम्हारी जगह पर है ही है एज इट इज। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन x ले लो तो कितना हो गया ये 45 - 40 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस यहाँ बचेगा x, ये तो कट ही गया तो सिर्फ x और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 45। तो क्या क्या बच रहा आपके पास, x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 45
इक्व टू जीरो और एक्स माइनस 40 इक्व टू जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्व टू माइनस का 45 और आप लिख सकते हैं एक्स इक्व टू 40। तो आपसे स्पीड मांगा था, स्पीड हमने एक्स को माना था अपने पास, और स्पीड कभी निगेटिव में हो नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो स्पीड आपका कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आप ज़रूर करेंगे अपने पास, नहीं तो ऐसे पता आपको नहीं चलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो इजी वे में निकल सकता है आपका कि किस तरह से इसको स्प्लिट करना है, किस नंबर से स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और भी तरीके से बन सकता है ना। और यहाँ पे आप टाइम को टी नहीं, वाई नहीं मान के आप टी भी मान सकते हैं, तो भी बन जाएगा। तो वाई की जगह क्या होगा, बस ये वाई की जगह टी आ जाएगा, और कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी आप तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन या किसी और तरीके से बनेगा। क्वेश्चन को समझो और अपना अप्रोच लगाना है, बस यही करना है। तो ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।